अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम मैविश। वेलकम टू माय चैनल मैविश भट्टी। आई कैन एक्सपेक्ट टू गेट बेस्ट सपोर्ट फ्रॉम यू। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैंस। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। अवर टुडेज टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। So the first branch of applied microbiology is aeromicrobiology. Aero for air. Okay, simply we can say that the study of microorganism that found in air is called aeromicrobiology. वो microorganism जो air में पाए जाते हैं उनकी study को हम कहते हैं aeromicrobiology. सेकेंड ब्रांच ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इज एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ प्लांट एसोसिएटेड माइक्रोब्स, सिंपली वी कैन से दैट द रिलेशनशिप ऑफ माइक्रोब्स विथ प्लांट रूट्स दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स सच एज फास्फोरस नाइट्रोजन इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका रिलेशनशिप हो प्लांट के रूट से, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके। सो इस स्टडी को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। द अदर ब्रांच ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इज environmental microbiology. The study of microbial process in environment. Environment के अंदर microorganism कौन से process जो हैं वो perform कर रहे हैं, या फिर microbial communities और microorganism की कौन सी communities यानी कि species हैं जो कि environment में हैं, and microbial interaction और microorganism का environment में आपस में कौन सा interaction है। सो इस टाइप ऑफ स्टडी को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। दी अदर ब्रांच ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इज फूड माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन फूड, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड में पाए जाते हैं। ओके, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेंट्स एंड स्पॉइल द फूड एंड दैट फूड कॉज इलनेस इन ह्यूमन बींग। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हम खाने को ख़राब कर देते हैं। ओके, जो खाना हम खाते हैं उसको ख़राब कर देते हैं, फूड को ख़राब कर देते हैं, लेकिन इस कदर ख़राब कर देते हैं ताकि वो बीमारियां काज करता है जब हम खाते हैं। तो दी अदर ब्रांच ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इज़ ए स्टडी ऑफ दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट आर यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें इंडस्ट्रीज़ में वाइन बनानी है, या फिर बेवरेजेस जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, तो उनमें कौन से प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं और उन प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके ही ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। सो इस स्टडी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। दी अदर ब्रांच ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इज मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। दी स्टडी ऑफ दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉज डिजीज इज कॉल्ड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ओके, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज कर रहे हैं, और मोस्टली जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिजीज़ काज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। दी अदर ब्रांच ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इज माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। ओके, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी इज यूज ऑफ माइक्रोब्स टू ऑब्टेन एन इकोनॉमिकली वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स एट लार्ज स्केल लाइक अमीनो एसिड्स, इंजाइम्स, मेडिसन्स। दिस टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करके हम वैल्यूबल प्रोडक्ट बनाते हैं लार्ज स्केल में। और वो प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, एंजाइम्स हो गए, या फिर मेडिसिंस हो गई। दी अदर ब्रांच ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इज़ फार्माक्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। फार्माक्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी इज़ ए स्टडी ऑफ माइक्रोब्स एसोसिएट विथ मैन्युफैक्चर ऑफ फार्माक्यूटिकल्स, इज कॉल्ड फार्माक्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करके फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कि ड्रग हो गया, यानी कि वैक्सीन हो गई। क्यों बनाते हैं? ताकि अगर बैक्टीरिया या वायरस की डिज़ीज़ हो जाती है तो उनसे, उन डिज़ीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये सारा जो है फार्माक्यूटिकल जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें ही होता है, यानी कि फार्माक्यूटिकल में ही बनते हैं। नाउ वाटर माइक्रोबायोलॉजी। वाटर माइक्रोबायोलॉजी इज़ ए स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन वाटर। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वाटर में पाए जाते हैं, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम मैरियन माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ स्टडी आल्सो नोन एज मैरियन माइक्रोबायोलॉजी। वेटरिनरी माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? दी स्टडी ऑफ माइक्रोबियल डिजीज ऑफ दोज एनिमल्स डेट सप्लाई फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड वेटरिनरी माइक्रोबायोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ काज करते हैं उन एनिमल्स में, जो एनिमल फूड सप्लाई, जिससे हमें फूड मिलता है, या फिर जिससे हमें अदर प्रोडक्ट, जैसे बटर हो गया, घी, या फिर मिल्क हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो उन एनिमल्स के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई डिजीज़ होती है, तो इस टाइप ऑफ स्टडी को हम कहते हैं वेटरिनरी माइक्रोबायोलॉजी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू लाइक माई वीडियो।